इसराइल और हमास के बीच ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बमों और रॉकेटों की बौछारें हो रही हैं, जिसमें बेशुमार बेगुनाह लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच इजरायली वायुसेना ने हमास को एक और बड़ा झटका दिया है। इस बार इजरायली वायुसेना ने हमास के राष्ट्रीय सुरक्षा कमांडर को मार गिराया है, जिसकी पहचान मुएताज ईद के तौर पर हुई है। दक्षिणी जिले में हमास के लिए ये कमांडर स्ट्रेटजी तैयार करता था। ऐसे में हमास के इस राष्ट्रीय सुरक्षा कमांडर का मरना हमास का दाहिना हाथ कटने जैसा है, और वहीं दूसरी तरफ इसराइल की ये बड़ी जीत साबित हो सकता है। गौरतलब है कि हमास की आतंकी जवाबी प्रतिक्रिया में आईएएफ ने उत्तरी गाजा में हमास के सैन्य ठिकानों पर व्यापक पैमाने पर हमले जारी रखे हैं। अब तक इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा पट्टी में 250 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इन हमलों ने हमास के कमांड सेंटरों, सैन्य परिसरों पर काफी हद तक प्रभाव डाला है। 14 अक्टूबर को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तेज होने के कारण हमास आतंकवादी समूह के दो कमांडर भी मारे गए थे, जिनमें से एक की पहचान नुखबा बल के कमांडर बिलाल अल केदरा के रूप में हुई थी। आपको बताते चलें कि इसराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग का आज 10वां दिन है। इस घातक युद्ध में निर्दोष नागरिकों सहित 1300 से अधिक इसराइली मारे जा चुके हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। गाजा में भी हजारों की तादाद में आम नागरिकों के जानमाल का नुकसान हुआ है।